हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में त्वचा के खोए ग्लो को वापस पाने और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हल्दी का प्रयोग फायदेमंद से भरपूर होता है। रसोई में व्यंजनों को तैयार करने में चुटकी भर इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे त्वचा की खोई रंगत वापस आ जाती है और स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अक्सर उपटन में प्रयोग की जाने वाली हल्दी डार्क सर्कल की समस्या को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। आइए जानते हैं हल्दी से कैसे डार्क सर्कल की समस्या दूर होगी। नंबर एक, हल्दी, बेसन और टमाटर का रस। दोस्तों, आंखों के नीचे बढ़ रहे काले घेरों को दूर करने के लिए आप कच्ची हल्दी को घिसकर बेसन और टमाटर के रस में मिलाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें। इससे आंखों की त्वचा में नमी बरकरार रहेगी और काले घेरे दूर हो जाएंगे। नंबर दो, भीगी मसूर दाल, हल्दी और लेमन जूस। दोस्तों, ओवरनाइट सोक करके लाल मसूर की दाल का पेस्ट बना लें। अब इसे कच्ची हल्दी और नींबू के रस के साथ मिला लें। इसे गाढ़े पेस्ट की तरह तैयार करें और आंखों के नीचे लगा लें। कुछ देर लगा रहने दें। उसके बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करें और आंखों को क्लीन कर लें। इससे आंखों की त्वचा हेल्दी बनी रहती है। नंबर तीन, अनानास का रस और चुटकी भर हल्दी। दोस्तों, विटामिन सी और एंटी एजिंग से भरपूर अनानास का रस आंखों के नीचे बढ़ने वाले काले घेरे को दूर करता है। ये काले घेरों के साथ फाइन लाइंस को भी कम करने में हमारी हेल्प करता है। 2 चम्मच अनानास का रस ले लें और चुटकी भर उसमें हल्दी मिला लें। इसे अपने आंखों के नीचे लगा लें और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें। ऐसा करने से त्वचा की खोई रंगत वापस लौट आती है। नंबर चार, दूध, दही और हल्दी। दोस्तों, प्रदूषण के संपर्क में आने से आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए 1/4 कप दूध में 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच शहद डालकर पेस्ट बना लें और डार्क सर्कल्स पर लगा लें। इस नेचुरल क्लींजर की मदद से आपको स्किन व्हाइटनिंग में मदद मिलेगी और त्वचा की थिकनेस बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।